हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। मैं हूं सौरभ। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हम मैनुअल रोटो क्या कर सकते हैं, वहां पे हम क्या करते थे, कुछ कुछ फ्रेम पे आगे हम रोटो को सेट क्या कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, हम इसमें देखेंगे किस तरीके से हम ट्रैकर नोड की सहायता से अपने रोटो को कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर वहाँ पे हमें जो हमने रोटो का पार्ट किया है उसको अगर हमें सेपरेट करना है और उसका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वहां पे हमें कौन कौन से नोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो ट्रैकर नोड को समझना सबसे पहले जरूरी कि ट्रैकर नोड होता क्या है। तो इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप सड़क पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं साइकिल से जा रहे होते हैं, या आपने छोटेपन में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं। तो अगर सामने से कोई ट्रक जा रहा होता था तो हम उसको पकड़ लेते थे, तो उससे क्या होता था कि हम ट्रक के साथ में ही चलना शुरू कर देते थे उसी स्पीड में। तो ट्रैकर नोड का भी हम यूज यहाँ पे इसी तरीके से करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि एक फुटेज पे ट्रैकर नोड की सहायता से एक ट्रैक निकालेंगे और हम रोटो को जो उस पर अटैच कर देंगे, तो रोटो भी हमारा उसके साथ ही चलता हुआ चला जाएगा। तो करना किस तरीके से है वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं यहाँ पे एक फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विंडो ई, जैसे मैं यहाँ पे विंडो ई प्रेस करता हूँ तो मेरा क्विक एक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे भी ले सकते हैं जहाँ पे हमने ड्राइव के अंदर फुटेज को रखा होगा। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे पहले से लिंक को कॉपी किया है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लिंक पेस्ट हो गया और जो भी फुटेज मेरी यहाँ पे होगी आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे लाके इसको आपको यहाँ पे अपना इंपोर्ट कर लेना है। इस तरीके से आप लाएंगे तो आपकी फुटेज यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आपकी फुटेज आती है तो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि आपको अपने फुटेज की सेटिंग और अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको प्री मल्टीप्लाइड ऑटो अल्फा स्टार्ट फ्रेम 1 और यहाँ पे 10 की जगह 1 कर देता हूँ। अब क्या करना है, आपको नोड ग्राफ पे यहाँ पे क्लिक करना है, एस प्रेस करना है, जो भी साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है वो साइज़ हमको यहाँ पे लेना है। तो ये साइज़ हमको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, तो जैसे हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा ये साइज़। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपका फुटेज बहुत ज़्यादा साइज़ का है तो इसको कर दो आप प्रॉक्सी। प्रॉक्सी करने के लिए मैंने पहले बताया कि कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट से आप प्रॉक्सी कर सकते हो, इसका साइज़ हाफ हो जाएगा, हमारी फुटेज आसानी से यहाँ पे प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसको यहाँ पे प्ले करके देखो। अभी प्ले करके देखोगे तो क्या होगा कि प्ले हो रहा है लेकिन हमें जैसे यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है कि कैसा मूवमेंट है। तो इसको ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए हम लोग करते हैं शिफ्ट F3। ये आप यहाँ से भी जाते हो वर्क स्पेस के अंदर, लार्ज व्यूअर के नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा शिफ्ट F3, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो मैं ज़्यादा शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ तो शिफ्ट F3 यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके देखता हूँ कि कैसा ये जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। तो अभी मैं यहाँ पे चलो 40 फ्रेम यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं तो एरो की से एक पीछे जाता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ ओ, ओ से क्या होगा कि मेरा इतने फुटेज यहाँ पे प्ले होगा, अभी देख रहे हो। तो आप लोगों का यहाँ पे अगर फुटेज सही से प्ले नहीं होता तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करो इस फुटेज पर अपने, और ऑल्ट बटन के साथ में F प्रेस करोगे और यहाँ पे फ्लिप बुक में आप डालोगे 1 से लेके, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप जितना भी फ्रेम लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पे 40 प्रेस कर रहा हूँ और ओके। तो यहाँ पे फ्लिप बुक के अंदर आप देख सकते हो एक बार आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया तो उसके बाद यहाँ कंटिन्यू आप यहाँ पे प्ले होता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको काम किस तरीके से करना है, यहाँ पे कैसा ट्रैकर लेना है, कहाँ पे ट्रैक लेना है, वो सब चीज़ें या और फुटेज में क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरीके से जल्दी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे कि ये बंदा है कि इसको थोड़ा सा ट्रैक करना है और ये मोशन में थोड़ा सा नहीं है और आराम से ये ट्रैक हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैकर आपको टैब प्रेस करना है और यहाँ पे ट्रैकर जैसे आप लिखोगे, पूरा भी नहीं लिखोगे तब भी यहाँ पे शो हो जाता है कि ट्रैकर कितने तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें लेना है सबसे पहला वाला, हमने यहाँ पे ले लिया ट्रैकर।
और हम इसको यहाँ पे धीरे से ला के कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो हमें ये ट्रैकर को कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है कि अगर हमारे इसमें थोड़ा ब्लर होता, कुछ फुटेज में कैसा ब्लर होता है, जैसे यहाँ बहुत अच्छी फुटेज दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लर हमारा दिखाई दे रहा है, तो अगर इस फुटेज को अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक नोड और रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, शार्पन, SH जैसे आप लिखते हो तो आपको यहाँ पे शार्पन दिखाई दे जाएगा, आपको ये करना है और यहाँ पे इसको अटैच करना है। जैसे आप शार्पन अटैच करते हो तो आपको शार्पन पर डबल क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी में इसके साइज़ को इंक्रीज कर देना है। जैसे आप करते हो तो आप देखो कि इस फुटेज का जो हमें शार्पन मिल जाता है, जैसे कि डी प्रेस करूँ तो इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने पॉइंट को बड़े अच्छे से यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो शार्पन नोड लगा लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से ट्रैक हमारा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक ट्रैक पर करता हूँ और यहाँ पर ऐड ट्रैक। जैसे आप ऐड ट्रैक करोगे तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। आपको क्या करना है कि जो पॉइंट स्टार्ट से लेके एंड तक है उस पर आप यहाँ पे ट्रैक पॉइंट को ऐड करो। जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ क्योंकि इसका मोशन एक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लग रहा है मुझे, इसका मूवमेंट एक है। तो आप क्या करो, इसको यहाँ पर ला के इस तरीके से अटैच कर लो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा ले लेता हूँ ताकि यहीं पे ये सर्च करे और यहीं से ट्रैक ये निकाले। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 7 फ्रेम पे आपने लगा दिया, आप क्या करो कि यहाँ से एक फ्रेम आगे करके देखो इस तरीके से, ये आपको यहाँ भी दिखाता रहेगा। अगर आपने इस तरीके से छोटा कर रखा है तो आपको इस तरीके से दिखाता रहेगा जहाँ भी आपका गड़बड़ हो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से आगे कर दो। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये 40 फ्रेम तक है, तो 39 हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ एक और आगे कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरे यहाँ पर ट्रैक आ गया। अब आपको जाना है जो भी आपका पीछे की तरफ है, जैसे 7 फ्रेम से मैंने लिया था, 7 से पहले भी जाना है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे आप पीछे की तरफ भी ट्रैक निकाल लो। तो इस तरीके से आपका ट्रैक निकल जाएगा। तो ट्रैक में हमें ये देखना है, जैसे हमारा यहाँ पे ठीक आ रहा है कि ये थोड़ा जिगजैग आ रहा है, तो आपको सबसे अच्छा ट्रैक होता है कि आपको स्मूथली यहाँ पे निकले। तो अगर आप एक ट्रैक और निकालना चाहते हो तो उसका भी आप निकाल सकते हो। किस तरीके से मल्टीपल ट्रैक आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऐड ट्रैक करना है आपको, और क्या करना है कि जैसे मैं इस बार क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इस ट्रैकर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से, और अभी हम इसको आगे की तरफ करते हैं। तो इस तरीके से एक एक फ्रेम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे 40 फ्रेम ले लिया, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है कि हमें एक रोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ ओ से आपका रोटो आ जाएगा। हम इसको भी साइड में कर देते हैं, ओ प्रेस करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक रोटो के ऊपर। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रोटो की प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ब्रेजर नोट को ले लेते हैं और एक छोटा सा पहले करके देखते हैं कि क्या मेरा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर लो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ कि ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया। या आप क्या काम कर सकते हो कि इसको डिलीट करो और यहाँ पे इस तरीके से आप ले लो। ओके, तो फिर आपको इसको कनेक्ट करके देखना है कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे इन दोनों को हटा दो
और यहाँ पे एक ले लो मर्ज नोड, एम प्रेस करो, एक मर्ज नोड और ले लो यहाँ पे भी इसमें, और रोटो को हम इसमें अटैच करेंगे। तो हमारा रोटो यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जाना है ऑपरेशन में मास्क, जैसे आप मास्क जाते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप क्या करो, एक ग्रेड नोड ले लो। ग्रेड नोड क्या कि हमने कितना पार्ट किया है वो हम यहाँ पे कलर के द्वारा देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के अंदर जाना है और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं ये करूँ तो आप देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा जो शेप है वो यहीं पे रह जाएगा। आप इसमें अपने ट्रैक को भी अटैच कर लो। जैसे मैं देख रहे हो कि पीछे की तरफ चला जा रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट फ्रेम पे। अब करता हूँ अपने ट्रैक को अटैच। तो ट्रैक बहुत से लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है कि ट्रैक को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे अटैच नहीं करना, हमें अपने रोटो की शेप को लेके जाना। तो आप ट्रैक को करो यहाँ पे अटैच, अटैच कर दोगे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, आपको ट्रैक पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे होगे आप इन सबको ओपन कर दीजिए, मतलब चेक कर दीजिए इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि आप ट्रांसफॉर्म होता है रोटेशन और स्केल। अगर आपका फुटेज इसमें जा रहा है तो ये इसको भी ले लेता है। हालांकि हमें इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी, लेकिन तब भी हम इसको ऑन कर देते हैं। फिर इसके बाद हमें जाना है सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट फॉर लुमिनियंस चेंजेस को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जो कि लाइट की वेरिएशन रहती है वो यहाँ पे इसको सही से ले लेता है। फिर ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको जाना है और नन के अंदर जाना है आपको मैच मूव। मैच मूव पे जैसे आप क्लिक करोगे अभी आपको फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ फ्रेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे सेट टू करंट फ्रेम कर देंगे। जैसे आप सेट टू करंट फ्रेम कर देंगे तो जहाँ भी हमने फ्रेम यहाँ पे है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्ले करेंगे, पीछे की तरफ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ देखोगे कि हमारा जो रोटो है वो इसके साथ में ही जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ इस तरीके से तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे रोटो भी उसके साथ में जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये तो इसके साथ में चला गया, लेकिन ट्रैकर के साथ में कभी कभी एक चीज़ होती है कि हमें रोटो को कुछ ही कुछ फ्रेम पे मेंटेन करना होता है। यहाँ पे हमारा सही से जा रहा है तो ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, आप रोटो पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे छोटी छोटी शेप को लेके मेंटेन करते चलो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 40 फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे ही मैं एक शेप बना लेता हूँ। तो आप छोटी छोटी शेप भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करो ब्रेजर पे और यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे आपको बना लेना चाहिए। तो छोटे छोटे पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा ही पार्ट आपको इतना ले लेता हूँ। यहाँ तक ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो भी हमने यहाँ पे कलर लिया तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा सही है। तो जेड प्रेस करो आप, जेड से क्या होगा कि हमारे जो स्मूथली यहाँ पे हो जाएगा। इसको फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था, आप यहाँ पे छेड़ सकते हो, मतलब इसको एडिट कर सकते हो एक एक पॉइंट को। अब आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको क्या है कि सब चीज़ डिटेल में पता लग जाएगी कि किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल पकड़ो और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर दो। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्या करो, आप यहाँ पे कर लो इतना, इतने पार्ट को आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जाना है।
और यहाँ पे आप देखो कि आपका रोटो में कुछ हिल तो नहीं रहा। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर दूँगा इस तरह से। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कर दो, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फर्स्ट फ्रेम पे भी लगा लेता हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम पे भी मुझे लग रहा है कि ठीक है। आप सारे फ्रेम को एक साथ कोशिश करोगे, एक साथ यहाँ पे लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ जगह मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा शेप आ रहा है, अगर इसको आपको देखना है इस तरीके से तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ट्रैक किया वो भी इसके साथ यहाँ पे जा रहा है। जहाँ भी आपकी गड़बड़ होगा वो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको ये इस तरीके से कर दिया। अभी आप इसको यहाँ पे प्ले कर सकते हो, तो आपका जो रोटो का शेप है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने जैसे ट्रैक कर लिया और इतने से पार्ट को कर लिया। अभी आपको क्या करना है कि अगर ये और भी पार्ट को करना है तो आप क्या करोगे कि इसमें आप इस तरीके से अटैच करते चले जाओ। अटैच कैसे करना है, जैसे हम 40 फ्रेम पे गया, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे शेप लेना है और यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देना है। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ी बड़ी शेप ले लेता हूँ, जैसे यहाँ तक का मैं लेता हूँ। इस तरीके से आपको लेते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे कोई नहीं ले ले कट। आपको इस लाइन पे ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा जो जॉइंट है इस तरीके से हमारा दिखाई दे, क्योंकि हाथ कटा कटा दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इतने पार्ट को यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। और इसको आपको करना है जेड प्रेस, जेड से स्मूथली हो जाएगा। तो मैं इतना पार्ट कर लेता हूँ। और जहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे फेदर दे सकते हो या एज ब्लर दे सकते हो। उसके लिए आपको कंट्रोल पकड़ के इस तरीके से कर देना है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं इधर ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले लोगे और उसके बाद आप यहाँ पे मैं एक बीच में लगा देता हूँ ताकि कुछ मूवमेंट हो, अगर इसका है तो वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा इस तरीके से। और मैंने एक यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा, अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो जैसे हम प्ले करते हैं तो ये आपका थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन लेने दीजिए, आपको ऐसा पता लग जाएगा कि आपको क्या गड़बड़ हुआ है। जहाँ भी गड़बड़ है हम वहाँ पे रोटो कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फ्रेम जा रहा है। अगर आपको ये जो लाइन लाइन है ये नहीं देखना है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और अगर आपको एज पे प्रॉब्लम लग रहा है कि थोड़ा सा कि हाँ नहीं एज मेरा यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप क्या काम करो, यहाँ पे आप लगा लो एज ब्लर। यहाँ पे जैसे टैप प्रेस करोगे, ई डी जैसे लिखोगे तो एज ब्लर आ जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा एज ब्लर लगा लोगे तो इससे क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो एज, मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ तो ये देखो एज ब्लर यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इसके साइज़ को करेंगे तो यहाँ पे आप देखो एज ज़्यादा ब्लर हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हो।
अगर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है तभी आप इसको लो, अदरवाइज आप इसको मत लो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिर्फ आपको शेप अटैच करते जाना है और कुछ कुछ फ्रेम पे हमें रोटो को ठीक कर लेना है, तो हमारा कम समय में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे पूरा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा करेक्टर का रोटो कर लिया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डी प्रेस करते हैं। डी प्रेस करने से क्या होगा कि जो जो हमने यहाँ पे कलर किया वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जो इसका लाइन दिखा रहा है, शेप दिखा रहा है, वो नहीं यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कलर के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब अगर हमें यहाँ पे बैकग्राउंड को हटाना है, मान लीजिए इस करेक्टर को हमें किसी और जगह लेके जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नोड लेंगे जो कि होता है कॉपी नोड। तो ये आप यहाँ से टैब प्रेस करोगे और यहाँ पे कॉपी भी लिख सकते हो, और मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे लिखोगे के। जैसे आप के प्रेस करोगे तो यहाँ पे कॉपी नोड आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बी को मर्ज नोड में कनेक्ट करना है और ए को करना है आपको अपने मास्क में। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और वन प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें से ले रहे हैं अल्फ़ा। कॉपी नोड लगाने के बाद जैसे आप यहाँ पे अपने व्यूवर पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अल्फ़ा दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। अब आपको अपना करेक्टर को सेपरेट करना है या हटाना है या निकालना है, इसमें से कुछ भी आप बोल सकते हो, तो आपको यहाँ पे लेना है, क्लिक करना है और लिखना है प्री मल्ट, पी आर। जैसे आप लिखोगे तो प्री मल्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे लेते हो और इसको यहाँ पे अटैच कर लो, अटैच करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे इसको डी प्रेस करोगे और अल्फ़ा आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे कलर आ रहा है, तो कलर को अगर आपको हटाना है, या हम इसको कलर को बाद में हटा के देखते हैं, तो अभी इसको मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो कोई भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक बैकग्राउंड ले लिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मर्ज नोड। जैसे मैं मर्ज नोड लेता हूँ और हमें क्या करना है, बी में बैकग्राउंड इसको लेना है और ए में हमें अपना प्री मल्ट को जोड़ना है, और आप यहाँ पे वन प्रेस करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा इमेज का साइज़ है, अगर हम डबल क्लिक करें या इमेज पर क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ यहाँ पर अलग दिखा रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लगाना है रीफॉर्मेट नोड होता है, आर ई। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे रीफॉर्मेट नोड लगाओ और यहाँ पे इस तरीके से, तो जो भी साइज़ है इसका ठीक हो जाएगा। अब आप ए प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ये करेक्टर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से आप इसको मेंटेन रख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कलर दिखाई दे रहा है, अगर आपको कलर को हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ग्रेड नोड आपने लगाया है यहाँ पे, इसको डी प्रेस कर दो तो आपका जो भी यहाँ पे कलर है वो हट जाएगा। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक नोड होता है ट्रांसफॉर्म, टी आर। जैसे आप लिखोगे तो ट्रांसफॉर्म नोड आ जाएगा आपका, टी आर ए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको यहाँ पे धीरे से अटैच कर लो, और अब ये जो करेक्टर है आप इसको यहाँ पे कहीं भी मूव कर सकते हो। सॉरी, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अगर आपको बैकग्राउंड करना है तो आप बैकग्राउंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ टी आर। जैसे आपने टी आर लिखा तो यहाँ पे आ गया। हमको अपने करेक्टर के नीचे यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड का यूज़ कर सकते हो और इसको कहीं भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे इस तरीके से मैंने करा तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया। तो आप कहीं भी इसको इस तरीके से लगा सकते हो, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसके बारे में बाद में भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक आपको लाइन लाइन से दिखाई दे रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो रीफॉर्मेट नोड लगाया है, आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसके नीचे भी आप इसको अटैच कर दो,
तो जैसे ही आप अटैच करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लूँ, तो आप देखो ये हमने एक छोटा सा कॉम्ब कर लिया। और ट्रैकिंग के साथ में आप इस तरीके से रोटो को कर सकते हो, और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये भी यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू के किसी और ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।